नवरात्रों में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के नौ रूपों की पूजा एवं उपासना की जाती है। आइए जानते हैं दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी जी के बारे में। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। कई हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर तुम घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। इस देवी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन यानी कि नवरात्रों के दूसरे दिन इस मंत्र की उपासना अवश्य करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। जय माता दी। इस कथा को अवश्य सुने और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ शेयर करें और हो सके तो लाइक बटन प्रेस जरूर करें।